Hi friends, welcome back. Pak media crying crowd chanted Jai Shri Ram in front of Rizwan. Oh, India versus Pakistan World Cup 2023. तो चलो देखते हैं. उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि रिजवान के सामने जय श्री राम के नारे क्यों लगे थे. और आपके थ्रू पता चला था कि जब वो जा रहा था वापस, तब जो है ऑडियंस ने मेरे ख्याल से ये समझना पड़ेगा उन लोगों को कि इंडिया में रिलीजन फर्स्ट नहीं है. हम लोग हर चीज़ में रिलीजन नहीं डालते हैं. और अगर इलीगल है किसी का रिलीजन को लेके आना अपने ग्राउंड में ये सब करना, तो उसके हिसाब से उसको उसके अगेंस्ट काम करना चाहिए. एग्जैक्टली. क्योंकि हमारे देश में कभी ऐसे नहीं हुआ. हम लागे यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ. और ये पहली बार ही हुआ है कि भैया की प्लेइंग गेम हो रहा है और तुम वहां पे रिलीजन अपने रिलीजन का कर रहे हो. देखा कोई इंडियन प्लेयर आया वहां आरती कर रहा है वो? बिल्कुल. या कोई क्रिश्चियन प्लेयर आया वो अपना वहां पे पैस्टर को लेके जा कर रहा है, प्रे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. तो मेरे ख्याल से ये क्लियर करना चाहिए, हमारी कंट्री में इस तरीके से नहीं होता. सेक्युलर कंट्री है, सब लोग साथ में रहते हैं खुशी खुशी. रिलीजन फर्स्ट नहीं, कंट्री फर्स्ट है. गेम खेलनी है गेम खेलो. घर में तुम क्या रिलीजन करते हो वो तुम्हारा अपना पर्सनल अफेयर है. डोंट ब्रिंग रिलीजन इन फ्रंट. वो तुम्हारी ही साइकी, तुम्हारा ब्रेन वैसा चलता है, इसीलिए तुम डूब रहे हो. जब सारी ऑडियंस इतनी पूरी स्टेडियम भर के लोग बैठे हुए हैं, तो तुम जान पूछ के वहां पे सबके सामने तुम्हें प्रॉब्लम है. और ये वो इंडियंस तो टॉलरेट करेंगे नहीं, क्योंकि फॉर इंडिया के लिए सारे रिलीजन्स जो हैं एक समान होते हैं. अच्छा है वो जिन भाई साहब ने इनको इनके अगेंस्ट जो वो भी हमने वीडियो की है, दैट इज वेरी गुड. वो हमने भी वीडियो किया. मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन रिएक्शंस में जानी चाहिए, देखना कहाँ होगी. गवाह नहीं होगी तो देखो कहाँ पे जाती है. तो उसमें उन्होंने बताया था कि भैया केस भी हो गया इनके ऊपर. और अच्छी बात है. और हमने बोला भी था एक वीडियो के अंदर कि भैया केस होना चाहिए इनके ऊपर, जिस तरह से जो मर्जी आता है कुछ भी करने लग जाते हैं स्टेडियम के अंदर. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. और हमारे दूसरे दो चैनल्स जो हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं. भारत का बच्चा. अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में आज कुछ कुत्ते खुले हुए थे. वहां पे कुछ कुत्ते छोड़े गए थे जो भौंक रहे थे और मुस्तकिल भौंक रहे थे. जिस तरह अब्यूसिव चैंट्स कर रहे थे, दैट वाज समथिंग दैट मेरा ख्याल से एवरीवन शुड कंडेम. अच्छा, जब आप कहीं इंडिया जाएंगे तो यही होगा. ये क्यों आए थे बताते. बहुत अफसोस हुआ है मोहम्मद रिजवान को, जो चांस का सामना, जो स्लोगन्स का सामना करना पड़ा है जब वो जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, वो ये डिजर्व नहीं करते. मुझे बताए जवाब मिल रहा है, मैच हो रहा है या कोई वो क्या कहते हैं इसको, ये भजन गाया जा रहा है, उसने या नवरात्रि हो रही है. स्टेडियम के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे यार. आप उनके घर में खेलने गए हो, उनका क्राउड है और वो उस रिलीजन के बंदे हैं, इतनी गैरत होती ये कहते हम नहीं खेलते. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सिर्फ ब्लू शर्ट थे, फिर ब्लू शर्ट्स के साथ साथ क्या था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे. हमारी टीम को बाकायदा प्रेशराइज किया गया और आप उसके खिलाफ अब जो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उसे रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, चांस उसको सुनाना चाह रहे हैं, चांस ये नहीं चलेगा. इतना डर, इतना खौफ कि आप सही से खेल नहीं सके. अहमदाबाद में इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखा गया था. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों. कल भारत और पाक के बीच फील्ड में तो एक मैच चल रहा था और जिसमें भारत ने बुरी तरह से फेल दिया पाकिस्तान को. लेकिन एक मैच स्टेडियम में भी खेला जा रहा था हमारी क्राउड की तरफ से, उसमें पाकिस्तान की इतनी धुलाई हुई, इतनी कुटाई हुई कि क्या किया जाए. मतलब जय श्री राम के नारे लग रहे थे और चार चवन्नी घोड़े पे पाकिस्तान हमारे वहां पे, और जिस तरीके से वहां पर मतलब हमारे प्लेयर ने नाड़ों की छड़ी ही लगा दी, पाकिस्तानियों का दिमाग ही घूम गया. और इस वजह से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया कह रही है, इस वजह से हमारी जो शाहीन है तो वो हार गए. अरे भाई तुम तो पहले ही बोल रहे थे कि हम जज्बे के साथ खेल रहे हैं, तो हमारे पांच नारों से तुम्हारा जज्बा ही मतलब खत्म हो गया. मतलब हमारे नारे तुम्हारे जज्बे से भी आगे बढ़ गए, तो क्या तुम्हारे जज्बे का क्या फायदा भाई. वो पाकिस्तानी जज्बा इतना मतलब कमजोर है कि भाई नारों के सामने ही घुटने टेक दिए, टांगे कहां गई उनके तुम्हारी साइनों की.
अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में आज कुछ कुत्ते खुले हुए थे, वहां पे कुछ कुत्ते छोड़े गए थे जो भौंक रहे थे और मुस्तकिल भौंक रहे थे, और उन कुत्तों के कुत्तों को जो है वो उनके जो मालिक थे, करो तो ठीक है कोई और करे तो ये, और वो स्पेशल असाइनमेंट पे लाए गए थे। उन कुत्तों ने वहां पर क्या किया और अपनी माओ की जो तरबियत है वो उन्होंने वहां पर दिखाई कि जो जिस तरह से उनकी तरबियत की गई है और जिस तरह से घर आए हुए मेहमान के साथ, घर आए हुए मेहमान हो गए गुजरात में, ये अहमदाबाद में ये बताया गया। क्यों पाकिस्तान के जो पिछले चेयरमैन थे नजम सेठी वो कहते थे कि हमने यहां पर नहीं खेला, इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इनकी औकात क्या है, ये किस खाली के चट्टे बट्टे हैं, पता था कि इनके अंदर क्या, इन लोगों के अंदर जो है वो इतना भी इन लोगों के अंदर वो नहीं है कि ये अपने मेहमान का किस तरह से आपने ख्याल रखना है। मेहमान भी तो तमीज से रहे, खड़े हुए 125,000 लोग मुकाबला कर रहे हैं उन 11 लोगों से, ये है तुम्हारी बात, यही है मेहमान क्या, मेहमान क्या कर रहा है वो तो देखो, अगर इतना भी आप करता है मेहमान की तरह रहना वो मौजूद नहीं था कि आप उनको इन 11 लोगों को 8-9 घंटे के लिए बर्दाश्त कर सकते, तो आपको ये वर्ल्ड कप करवाने का कोई हक नहीं है। अच्छा तुम्हें आने का हक नहीं है। गंदी गालियां निकाली गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नाम लेकर वहां पर गलीज गालियां, मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या क्लिप्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हैरस किया गया, बाबर आजम को हैरस किया गया, कैसे हैरस किया, ये कुछ कुत्ते थे, ये इंसान नहीं है, ये कुछ कुत्ते थे, देयर वर फ्यू डॉग्स, और तुम जो वहां पे छोड़ा गया था जिनके पट्टे खुले हुए थे वहां पे भारती जो मैनेजमेंट है, वो पट्टे खुले हुए थे, समझ रहे हो ना, वहां पर कोई पाकिस्तान ऐसे बोलते ही नहीं है, तो इशारे से बता देंगे, उसमें नहीं दिखाया गया, पूरे मैच के दौरान एक बार कोई पाकिस्तान का नगमा नहीं चलाया गया, नहीं चलाएंगे, हमारी इंडिया की धरती है, ये आईसीसी इवेंट था, ये बीसीसीआई के घर का इवेंट नहीं था, पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से आ रहा है, और हमें दुख इस चीज का है कि जब ऊपर से मुगल्लजात बकी जा रही थी इन बेगैरत पाकिस्तानियों में, इतनी गैरत नहीं थी कि अपने बल्ले से और अपनी बॉलर से उसका जवाब दे सकते, इनको वहां पे मैच रोक के बाहर आ जाना चाहिए था, इतनी गैरत होती, ये कहते हम नहीं खेलते, अब तुम्हारे बाप है, तुम्हारे बाप है, बोलते थे, मैं समझ नहीं पाया, अब इनको पता चल रहा है कि होता क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल वहां पे अभी तक तो हीरो बनते थे, सामने गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेके गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, सोया हुआ आईसीसी, पैसा ही सब कुछ है, लेट गया आईसीसी सबके सामने, आईसीसी को तुम भी तो आए हो पैसों के लिए, ठेके पे दे दो, कोई होता तो तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आते, इसलिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखा गया था, मोहम्मद रिजवान जब जा रहा था तो वहां पर मोहम्मद रिजवान के को घेर के जो है वो हैरस कर, कोई घेरानी वाला जंगलों से जा रहा था, दिखाई है इन्होंने, बहुत अफसोस हुआ है मोहम्मद रिजवान को, जो चांट्स का सामना और जो स्लोगन्स का सामना करना पड़ा है जब वो जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, वो ये डिजर्व नहीं करते, उसने भी कुछ हरकत ऐसी की है, बिल्कुल अलग रखना चाहिए, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स और रिलीजन को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, हमारे लिए सेक्रेट है, हम लोग हर मजहब की तारीफ करते हैं, हम लोग दिल आजादी उसका दिल टूटे, तो ये चीज जो है इसको हमें तारीफ करनी चाहिए, तो फैंस ने जितने भी चांट्स किए, पहले बाबर आजम के खिलाफ, फिर हम तुम्हारे बाप है, ये बाबर आजम फील्डर्स को चांस कर रहे थे, वो बाबर को बू कर रहे थे जब टॉस पे जा रहा था, लाना था कि चांस कर रहे थे, ठीक है जो भी करें हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यार रिलीजियस चांस तो छोड़ देना, अब मोहम्मद रिजवान से जवाब देते तो क्या रह जाता, उसके खिलाफ कोशिश किया एजेंडा चलाने की ट्विटर पर, जो उसने ट्वीट कर दी थी फॉर पैलेस्टीन फॉर गाजा, देखिए वो ऑफ द फील्ड इशू था, वो मैच खेलते हुए उसने ट्वीट नहीं की, और आप उसके खिलाफ अब जो पॉइंट्स स्कोरिंग कर रहे हैं, उसे रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, चांस उसको सुनाना चाह रहे हैं, ग्राउंड में जाके उसने किया था, पीसीबी को करना चाहिए, पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए, पीसीबी शुड स्टैंड अप, आपने ये सुनना है, एक क्लिप सुन रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैच हो रहा है या कोई वो क्या कहते हैं इसको, ये भजन गाया जा रहा है या कोई नवरात्रि हो रही है, मतलब स्टेडियम के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार, स्टेडियम में स्टेडियम वालों ने स्पीकर्स पे जय श्री राम चलाया, पूरा स्टेडियम जय श्री राम से बोल रहा है, मुझे किसी के मजहब से प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुओं का अकीदा है, वो सब बिस्मिल्लाह उसको करते हैं, लेकिन ये मैच हो रहा है, इंटरनेशनल टीमें मैच में मौजूद है, पाकिस्तान से टीम आई हुई है भाई, वर्ल्ड कप का मैच खेलने आई हुई है, आईसीसी क्या कर रहा है, आईसीसी का घोड़े बेच के सो रहा है, मैच में हमारे टीम प्लेयर्स है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं भाई, ये कहां कहां होता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सिर्फ ब्लू शर्ट्स थे, ब्लू शर्ट्स के साथ साथ क्या था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे,
हमारी टीम को बाकायदा प्रेशराइज किया गया, हमारे प्लेयर्स को बाकायदा डराया गया कि अगर तुमने मैच जीता तो तुम्हें जान से मार देंगे। ओ, अच्छा। इंडियन क्रिकेट फैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें जान से मार देंगे, यहाँ तक डराया गया नाज़रीन। पता नहीं कैसे डर गए या डरा दिया। जय श्री राम के जो है वो मोहम्मद रिजवान को आवाजें भी पीछे लगाई गई। रिजवान तू घर ट्विटर बैठ के, ट्विटर के ऊपर तू घर ट्विटर बैठ के तेरे से इसको क्रिकेट चुनाओ, इसको एक्टिंग में भेजो, क्योंकि ये बंदा सिर्फ एक्टिंग करता है, एक्टिंग के अलावा अटेंशन सीकर है ये, इसके अलावा इसको कख भी नहीं आता। मोहम्मद रिजवान को जो है इंडियन क्राउड ने जय श्री राम के जो है वो आवाजें लगाई, ये किया आप उनके घर में खेलने गए हो, उनका क्राउड है और वो उस रिलीजन के बंदे हैं तो वो काम करेंगे जी। नहीं, तो बुराई नहीं, इसलिए नहीं हमने किया, बुराई नहीं किया था, बिकॉज़ रिजवान डिड समथिंग। हम मुसलमान है, जब इधर हम आएंगे हम कोई और बात करेंगे। अच्छा, हम अपनी जगह पे राइट है, वो काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे राइट है। नहीं, तो ये जो न्यूट्रल रहने वाला काम है, नहीं, गलत है। अगले की रिस्पेक्ट करोगे, अगले की रिलीजन की रिस्पेक्ट करोगे तो अगला भाई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। हमारा तो क्रिकेट का जनाजा आगाज भी निकल गया था, जब हमने बैटिंग का आगाज किया उसी वक्त ही निकल गया था, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट जिल्लत का तमाचा, बेइज्जती हमारी। ऑन द अदर हैंड कि आप अहमदाबाद में अगर आप देखें पूरा का पूरा स्टेडियम, वहां पर कहीं भी ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा था, दिखेगा भी नहीं, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा था, सारा इंडिया ही उठकर आ गया था अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ब्लॉक से गाना गाते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इस हार पे हम कहें कि जी हमें तुमसे प्यार है, मतलब ना आपकी बैटिंग तुम्हारी प्रॉब्लम, आपकी बॉलिंग लाइन चल रही है, तुम करो ना करो मैं क्या तुम्हारी टीम, तुम जानो हमें तो अपने देश से प्यार है, अपनी टीम से प्यार है। हमारे भाई साहब ने बोलते थे दुश्मन देश और क्या चाहिए, वही तो शायद। देखो वो करें तो कुछ नहीं, हम करें तो हाय राम, ये क्या हो गया, ये रिजवान ने शुरू किया था शुरुआत, जो तुमने तुमने शुरुआत की हमने खत्म किया। अगर कोई बंदा ग्राउंड में जाके, क्रिकेट ग्राउंड में जाके अपना शो ऑफ रिलीजन करता है तो इनकरेक्ट है मेरे ख्याल से, तो वो क्रिकेट में अलाउड भी नहीं होगा, इसलिए उसको बोलना चाहिए डोंट डू दिस, यहाँ पे रिलीजन नहीं होता क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान है। उसने टाइम एंड अगेन किया, ये पहली बार ही नहीं कर रहा, वो मोस्टली वो यही काम करता है कि पहले आप लीगैलिटी देखिए कि क्या शो ऑफ रिलीजन अलाउड है क्रिकेट ग्राउंड पे, यस और नो, पहले लीगैलिटी, अगर इलीगल है तो बोलो भैया प्लीज स्टॉप दिस, ये इलीगल है, आपको नहीं करना चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज, क्योंकि रिजवान ने वो किया, उसके रिस्पॉन्स में ये सब हुआ था, अगर वो नहीं करता तो कुछ नहीं होता। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि अगर तुम किसी को पोक करोगे तो यही जवाब मिलेगा आएगा। बिल्कुल, और तुम तुम और यहाँ पे 1.4 बिलियन लोग हैं, समझो बिल्कुल, और साथ में तुम हमारे यहाँ आने से पहले तुम्हारा वो जो चेयरमैन बैठा हुआ है वो कहता है दुश्मन देश, और फिर बोलते हो कि मेहमान, फिर बोलते हो हम मेहमान हैं, ऐसा कौन मेहमान होता है जो दुश्मन देश में आता है और सोचता है कि भैया वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें तुम दुश्मन बोलो, है भारत को, भारतीयों को तुम दुश्मन बोल रहे हो, दुश्मन देश बोल रहे हो भारत को, और तुम वहां आओ और हम तुम्हें मेहमानों की तरह ट्रीट करें, वारे दोगलापन की भी मेरे ख्याल से सीमा होती है कोई। सारी गलती शुरू हुई थी रिजवान से, जिसने मेरे ख्याल से तो क्रिकेट का रूल कोई ब्रेक किया है, एंड दैट कॉज द प्रॉब्लम। उनके माइंड में रिलीजन फर्स्ट रहता है, इंडिया में ऐसा हमारा नहीं होता, सारे तुम गलत काम करोगे तुम्हें जवाब मिलेगा, ये भारत है, समझ में आ गई, यहाँ चुप नहीं बैठेंगे हम, हमारी देश में हमारी धरती पे आके ओवर स्मार्ट बनोगे तो जवाब भी तुमको मिलेगा, समझ में आ गई है, तुमको गेम खेलने के लिए आए थे, गेम खेलो और चले जाओ, इसलिए मैं कहती थी पाकिस्तानियों को अपनी धरती पे बुलाना ही नहीं चाहिए, ये ऐसे ही काम करें। मैं सिर्फ ये कहूंगा देखो भैया इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है, वो तो है, सारे रिलीजन है, सब प्यार से रहते हैं, सब डिफरेंट है, यहाँ पे क्योंकि रिजवान ने गलत जगह पे किया है, अननेसेसरी पोक किया है, प्रोवोक किया है रिजवान ने, दैट वॉज नॉट नीडेड, वो क्रिकेट गेम थी, उसमें रिलीजन लेके आया है, उसके रिस्पॉन्स में लोगों ने ऐसा सब किया है, आई होप कि दे अंडरस्टैंड। बिल्कुल, और उसकी और तुम्हारे में क्या तमीज़ है, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, कहते हो मैं मेहमान आए हैं, मेहमान की खातिर करते हैं, मेहमान को बुलाओ और उसकी खातिर की थी, और मेहमान को मेहमान की तरह रहना भी चाहिए, ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि मेहमान की तरह तुम रहो नहीं और हम तुम्हें मेहमान की तरह ट्रीट करेंगे, ये अब वो टाइम चले गए, अब समझ में आ गई तुम्हें, तो ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो भाई अक्षय करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।